गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। दिस इज ऑफ केमिस्ट्री एंड वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि केमिस्ट्री का है, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। सो एज वी नो दैट देयर अबाउट 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। सम ऑफ देम आर नेचुरली अकर्ड, सो दे आर नेचुरल एलिमेंट्स, बट सम ऑफ देम आर मेड बाय मैन, सो दे आर आर्टिफिशियल और सिंथेटिक एलिमेंट्स। सो आउट ऑफ दीज ऑल दीज एलिमेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। तो जो भी हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं, मेनली जो है इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। तो ये जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं, इनको हमने एक टेबल में अरेंज किया है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। उनको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल का शेप कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है इस तरीके से। सो द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अगर हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करें तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये वाले, दीज आर मेटल्स। और राइट हैंड साइड में जो ये इस तरीके से दिए हुए हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। और इनके बीच में एक जिगजैग लाइन होती है एलिमेंट्स की, जिनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। सो द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट हैंड साइड मेटल्स एंड राइट हैंड साइड नॉन मेटल्स, एंड इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देयर आर मेटलॉइड्स। सो वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट द मेटल्स। तो मेटल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, कि कैसे हमने कहा कि ये मेटल्स हैं। सो द मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव अ लस्टर व्हेन दे आर फ्रेशली कट। जिनको हम फ्रेशली कट करते हैं तो उनकी जो सरफेस होती है इट इज लस्टरस, उनपे एक लस्टर होती है। सेकंड, दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। They are called metals. But the more important characteristic of metals is that these elements lost electrons. ये वो electrons हैं जो कि electrons, ये वो elements हैं जो कि electrons को lost करते हैं। And as we know कि जो भी elements हैं वो अगर electron lost करेंगे तो क्या बनाएंगे, positive ions. So these are the elements which lose electrons and form positive ions, and those elements which lose electrons they are called electropositive elements. तो हम ये कह सकते हैं that the elements which lose electrons to form positive ions are called metals. क्योंकि हमने main characteristic यही माना है, क्योंकि जब भी हम आगे मेटल्स की और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि वे डक्टाइल होते हैं, ये मैलेबल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्शंस आर देयर। हर में कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन प्रेजेंट है, बट देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस कैरेक्टरिस्टिक दैट दे ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ऐसे एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करके, वही मेटल्स होते हैं। इसमें कहीं पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। Now, when they lose electrons and form positive ions, क्योंकि ये लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, so they are called electropositive elements. उनको हम क्या कहते हैं, electropositive elements कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, जो सोडियम एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके
यहाँ पे देखिए क्या बना लिया उसने, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है और क्या बना लिया, सोडियम प्लस आयन बना लिया है, पॉजिटिव आयन बना लिया है, ये हमारा पॉजिटिव आयन बन गया है। सो दिस इज अ मेटल, दिस कैटेगराइज्ड एज मेटल। जो भी लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव आयन बनाएगा। पॉजिटिव आयन को और क्या बोलते हैं, केटायंस। पॉजिटिव आयन्स आर ऑल्सो कॉल्ड केटायंस। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट द एलिमेंट्स विच लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म केटायंस दे आर कॉल्ड मेटल्स। तो जो मेटल्स होते हैं वो केटायंस फॉर्म करते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। इसके अदर एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं, मेटल्स के एग्जांपल हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और केटायंस फॉर्म करते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉन मेटल्स। ऐसे एलिमेंट्स जैसे जो कि नॉन लस्ट्रस होते हैं, जो कि नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलेबल होते हैं, दे आर बिटल इन नेचर, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। क्योंकि नॉन लस्ट्रस होते हैं और नॉन सोनरस होते हैं, जो कि डक्टाइल भी नहीं होते, मैलिएबल भी नहीं होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, वो सब किस की कैटेगरी में आते हैं, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। बट द मेन कैरेक्टरिस्टिक, अगेन आई वांट टू से दैट इन ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स देयर आर सम एक्सेप्शंस। जैसे हम कहते हैं कि गुड कंडक्टर है, ये बैड कंडक्टर होते हैं, पर कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जो कि गुड कंडक्टर होते हैं। अगर हम कहें कि ये लिक्विड और गैस होते हैं, पर कुछ और एक्सेप्शन भी हैं, सॉलिड और गैस होते हैं तो कुछ लिक्विड के एक्सेप्शन भी हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी किसी कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, एक्सेप्शन प्रेजेंट होता है। बट अगर हम ये वाला कैरेक्टरिस्टिक देखें, दैट द एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनाता है, नेगेटिव आयंस। तो ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं, नेगेटिव आयंस को और क्या कहते हैं, एनायंस। सो वी कैन से दैट द एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस और एनायंस दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज क्लोरीन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या बना लेगा, एनायन बना लेगा। तो हम ये कहेंगे क्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन, एक एनायन बना रहा है। सो द नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। नाउ एज आई टोल्ड यू देयर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स that is lying between the metals and non-metals. So the elements which have properties of both metals and non-metals, they are called metalloids. ये ऐसे elements हैं जो कि metals और non-metals के बीच में present होते हैं। तो ये क्योंकि इनके बीच में present होते हैं, इनमें दोनों के ही characteristics होते हैं, metals के भी और non-metals के भी, so they are called metalloids. So we can say that the elements which show properties of both metals and non-metals are called metalloids. You can see that I have drawn them as a zigzag line between metals and non-metals. Metals और non-metals के बीच में zigzag line की form में present होते हैं. Examples कौन से हैं? Boron, silicon, germanium, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ
मेटालॉइड्स। तो ये हुआ एग्जाम जनरल डेफिनेशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। थोड़ा सा हमें ये भी जानना जरूरी है कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों कर रहा है और गेन क्यों कर रहा है। शायद हम ये पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों कर रहा है, ये लॉस क्यों कर रखा है, ये नाइन्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। सो इन दिस वे, इसी वे में वो क्या करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन और दे लॉस इलेक्ट्रॉन। बाय गेनिंग और बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म एनायंस, एंड इन दिस वे दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट और दे कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट शेल। वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं या अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं। तो वो इसीलिए क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं या कर वो गेन करते हैं। तो हमने ये बता दिया कि जो लॉस कर रहे हैं उनको हमने मेटल्स बोल दिया और जो गेन कर रहे हैं उनको हमने नॉन मेटल्स बोल दिया है। आगे हम इनके बारे में और पढ़ेंगे ताकि हम इनके बारे में और जान सकें। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।